हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आए हैं पुणे के मोस्ट हाइप प्लेस में से एक जगह। सो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं गणपति मंदिर और शनिवार वाड़ा एंड गर्ल्स के लिए मोस्ट स्पेशली तुलसी बाग। तो पुणे ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना गया है, तो चलिए एक्सप्लोर करते वक्त ही आपको यहाँ पे फूलों की माला वगैरह मिल जाएगी। और अगर आपको पैक करवा के कोई मिठाई या प्रसाद लेना है तो यहाँ पे शॉप्स भी है, आप वो वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस, आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस, ये बाहर से गणपति जी का आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ। इधर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो हम बाहर की तरफ आपको शूट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हो। पूरा रोड सजाया है बिकॉज ऑफ राम मंदिर, तो उसी थीम पे ये लोग ने डेकोरेशन किया है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है हमारा तुलसी बाग। सर ऐसे भी शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है क्लोथिंग के लिए। तुलसी बाग में आप वराइटीज ऑफ चीज़ें परचेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको पूजा के लिए कोई सामान चाहिए या फिर आपके घर में शादी हो तो ब्राइडल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कंपेयर टू बॉयज़। सो आपको डेली वेयर्स भी मिल जाएगा, इवन आपको ज्वेलरीज एंड ऑल सब मिल जाएगा यहाँ पे। सब देख सकते हैं कि कितना क्राउडेड प्लेस है। सो गाइस, यहाँ पे कावरे करके आइसक्रीम शॉप है, बहुत ही पुराना है, सिंस 1952। और यहाँ का आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होता है। सो चलिए ट्राई करते हैं। सो गाइस, हम जब भी आते हैं यहाँ पे तो आइसक्रीम ट्राई करते हैं, तो हमने फर्स्ट टाइम आज लस्सी ऑर्डर किया है, रोज लस्सी, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। सो गाइस, हमने रोज लस्सी ट्राई किया है, बहुत ही अलग टेस्ट था और एक्चुअली अच्छा था, ज़्यादा मीठा भी नहीं था। हर बार हम यहाँ आते हैं तो आइसक्रीम ट्राई करते हैं, स्पेशली कुल्फी, बट आज हमने सोचा कि लस्सी ट्राई कर लेते हैं। तो लस्सी एक्चुअली अच्छा है और इतना धूप लग रहा था तो वो पी के बहुत ही अच्छा लगा हमें। सो गाइस, अभी हम लोग अगत्या में आए हैं और ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तब मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था यहाँ का खाना, तो मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम विजिट कर रही हूँ। अब जब भी आओगे तो यहाँ पे आपको नंबर लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और जब भी आप आओगे तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि आपको यहाँ का खाना कैसे लगा। तो गाइस, हमारा नंबर 28 है, तो अभी 26 चल रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग मेन्यू देख रहे थे तब हमने नोटिस किया यहाँ पे गड़बड़ आइसक्रीम भी है, जो कि साउथ इंडियन फेमस आइसक्रीम है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो ओनर है वो एक्चुअली तुलुनाड से है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी कारण से यहाँ पे गड़बड़ आइसक्रीम रखा है। फाइनली गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है शनिवार वाड़ा। तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारा इंडियन हिस्ट्री कल्चर कैसे है। सो गाइस, ये नाना वाड़ा है, जिससे कुछ इस तरह से दिखता है नाना वाड़ा। गाइज, ये नाना वाड़ा 1780s में बिल्ट हुआ था बाय नाना फडणवीस, हु वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द पेशवाज। नाना वाड़ा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेरिटेज ऑफ पेशवाज एरा। यहाँ पे आपको स्टैचूज भी दिख जाएंगे।
यहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मराठी में भी लिखा है, इवन इंग्लिश में भी लिखा है। सो फाइनली हम लोग शनिवार वाड़ा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफी भीड़ है। ये इसका एंट्रेंस है, तो अंदर चलते हैं अभी। सो गाइज, यही है शनिवार वाड़ा जो अपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा। जिस शनिवार वाड़ा का जिक्र हुआ था, ये वही शनिवार वाड़ा है। गाइज, ये पेशवास का फैमिली ट्री इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको डिटेली सब कुछ दिया गया है। ये बिल्ड किया था बाय बाजीराव वन, जो कि 1732 में बिल्ड हुआ था। ये पुणे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज। फ्लैग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको हर जगह एक बोर्ड मिलेगा जिस पर डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, तो मैं आपको ऊपर जाकर बताती हूँ कि ऊपर से आपको क्या व्यू मिलता है। गाइस, ये है नारायण गेट, नारायण दरवाजा, गेट वाज कॉल्ड नारायण दरवाजा। आज इट इज हिस्टोरिक विटनेस टू नारायण राव पेशवा एल प्लस प्रे काका माला वाजवा अंकल सेमी। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज जाम्बुल दरवाजा, गोइंग ट्री ऑफ जाम्बुल, इंडियन ब्लैकबेरी। इट वाज प्लांटेड। सो गाइस, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, स्टेकस है जो जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। गाइस, ऊपर से आप देख सकते हैं जिस रूट से हम लोग आए थे, तो यहाँ से वही रूट हमें दिखाई देता है। सो यहाँ पे वॉल्स पे जो होल्स आप देख रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसलिए होगा कि जो पहले वॉर्स होते थे, तो इसी पीप होल से वो लोग मे बी एनिमीज को देखते होंगे। यहाँ से भी आप निकल सकते हैं। यहाँ से हमने एंटर किया था गाइस। यहाँ से भी स्टेकस है। आप अंदर आ सकते हैं, बट हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा गाइस, आपको पूरा शनिवार वाड़ा क्लियरली दिख जाएगा।
यहाँ पे सारे रूम्स लॉक्ड है। ये यहाँ से भी एक एग्जिट है, तो यहाँ से यही से निकल लेते हैं। गाइस अभी हम फाइनली बाहर आ चुके हैं। आपको शनिवार वाड़ा से दिख रहा था, ये बाजीराव पेशवा का स्टैचू है और ये उनका हस्ताक्षर मीन सिग्नेचर है उनका। यहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे उनका हिस्ट्री भी दिया है। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।